फरजाद, घर आए मेहमानों के साथ ऐसे करते हैं? गलती तो किसी से भी हो सकती है, इसका कोई कसूर नहीं है। चलो से सॉरी। सॉरी सॉरी, माफ किया, नाश्ता भी छोड़ दिया। मैं देखती हूँ। फरजाद, मुझे तो भूख लग रही। खाओ ना। कितने बजे? कुछ नाश्ता बोले हैं, बाबा को हॉस्पिटल लेके जाना 12 बजे। तो मुझे भी हॉस्पिटल ले चलो। तो उम्मीद से मिलना है ना। हाँ, कब आएगी वो? हाय, प्लीज तुम समझाओ। आपको जान, जब समीर पाशा साहब को लेके जाएगा हॉस्पिटल तो उम्मीद को छुपके से बुला लेंगे। लेकिन ये सारी बात हम छुपा किससे रहे हैं? पापा से। पाशा साहब ठीक कहते हैं, कम से कम सरगोशियां तो आज से घी से कर लिया करो। सारा प्लान किचन तक तो पहुंच गया, बस पाशा साहब के कमरे तक पहुंचना बाकी है। मैं तो आहिस्ता ही बोल रहा था। आप ऊंचा भी बोल लेंगे तो उसकी समझ किसी को भी नहीं आएगी। आगू जान की आवाज तो कहीं और ही पहुंची हुई। और उम्मीद को यहाँ बुलाने से बेहतर है कि तुम दोनों जाकर से खुद ही मिलो। ना तो ये जाए, मैं ना जाऊं। स्टाफ जाना इस तो। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरे चेक जमा होगा आज। वैसे पता है उम्मीद भाई ना किसी को ऐसे सॉरी बोलते तो नहीं है। पता नहीं तुम्हें कैसे बोल दिया उन्होंने। वैसे घड़ियाल मिला कहाँ से तुम लोगों को? घड़ियाल? अच्छा, अबे ये ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर कौन है? क्या नहीं, कहाँ चला गया? हमारे साथ 4 दिन हो गए, क्लाइंट नाराज हो रहे हैं। आ गया, आ गया। भाई तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो ड्राइवर का वेट करते, चले वहां ड्रॉप करते। आज मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। क्या काम है? वो बैंक जाने उम्मीद का काम है। दूसरी गाड़ी पे जाओ। भाई ये दूसरी गाड़ी तो है, आप अपनी गाड़ी में चले जाए ना। मेरी गाड़ी ड्राइवर धो रहा है, उसमें टाइम है अभी। ये अपनी दोस्त को कौन अपने घर से गाड़ी मंगवा ले? इसके पास बड़ी गाड़ियां ड्राइवर होंगे। भाई वो तो इसने ऐसे ही बोल दिया था ना। ओहो हाँ, मैं तो भूल ही गया था, भाई दोस्त की तो झूठ बोलने की आदत है, कुछ भी कह दिया होगा। इट्स ओके, मैं कैब लेके चली जाऊंगी। नहीं नहीं भाई, प्लीज ना। अच्छा अच्छा ठीक है।